किताबे हयात से जुबूर नंबर 9 मुखालिफिन की शिकस्त पर शुक्रगुजारी। ऐ खुदावन, मैं अपने सारे दिल से तेरा शुक्र करूँगा। मैं तेरे तमाम अजायबात का बयान करूँगा। मैं तुझ में खुश और शादमान रहूँगा। ऐ हक ताला, मैं तेरे नाम की मदाखानी करूँगा, क्योंकि मेरे दुश्मन पीछे हट गए हैं। वो गिर पड़े हैं और तेरे हुजूर हलाक हुए हैं, क्योंकि तूने मेरा हक और मेरा मुकदमा संभाला है। आदिल मुनसिफ होते हुए तू तख्त नशीन हुआ है। तूने गैर कौमों को छिड़का है, शरीर को हलाक किया है, उनका नाम अब्दुलाबाद तक मिटा डाला है। दुश्मन तमाम हो गए हैं, वो हमेशा के लिए तबाह हो गए हैं, और तूने शहरों को बर्बाद कर दिया है, उनका जिक्र तक मिट गया है। लेकिन खुदावंद अबद तक तख्त नशीन है। उसने अपना तख्त इंसाफ के लिए तैयार किया है, और वही जहान पर सदाकत से अदालत करेगा और रास्ती से कौमों का इंसाफ करेगा। और खुदावंद मजलूम की जाए पना होगा, तंगी के अयाम में जाए पना। बस वो जो तेरे नाम से वाकिफ हैं तुझ पर भरोसा रखेंगे, क्योंकि ऐ खुदावंद तू अपने तालिबों को तर्क नहीं करता। खुदावंद के लिए मदाखानी करो जो सहून में रहता है, और कौमों में उसके कामों का बयान करो, क्योंकि खून के मुंतकिम ने उन्हें याद रखा है, उसने गरीबों की फरियाद को फरामोश नहीं किया। ऐ खुदावन, मुझ पर रहम कर, मेरे इस दुख पर नजर कर जो मैं अपने दुश्मनों से सह रहा हूँ। ऐ तू जो मौत के दरवाजों से मुझे उठाता है, ताकि मैं सहून की बेटी के दरवाजों पर तेरी हर सिताइश का बयान करूँ और तेरी मदद के बायस खुशी मनाऊँ। गैर कौमें उसी गढ़े में गिरी हैं जो उन्होंने खोदा था, और जो जाल उन्होंने छुपाया था उसमें उन्हीं के पांव फंसे। खुदावंद ने अपने आप को जाहिर किया है, उसने अदालत की है, और शरीर अपने ही हाथ के कामों में फंस गया है। शरीर आलमे असफल में पलटाए जाएंगे, यानी वो सब गैर कौमें जो खुदा को भूल गई हैं, क्योंकि मिस्कीन हमेशा के लिए फरामोश ना किया जाएगा, गरीबों की उम्मीद अबद तक तोड़ी ना जाएगी। ऐ खुदावंत उठ, इंसान गालिब ना आए, तेरे हुजूर गैर कौमों की अदालत की जाए। ऐ खुदावंत अपना खौफ उन पर डाल दे, और गैर कौमें अपने आप को बशर ही जाने। आमीन।